व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों, हम बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग की आपकी क्लासेस शुरुआत कर रहे हैं। तो यदि आप भी इंग्लिश को अपनी को इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो 7 डेज का चैलेंज है। आप 7 दिन क्लास लेकर देखिए, यकीन मानिए कि आपको आपके अंदर और मेरा पढ़ाने का तरीका वो बिल्कुल यूनिक है, और आप देख पाएंगे कि आपके अंदर जो है विद इन 7 डेज में चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज जो आपको मिल रही हैं, ये ऑफलाइन ही क्लासेज हैं हमारी, लेकिन अब यही क्लासेज जो है रिकॉर्ड कर हम यूट्यूब पर डालते हुए चले जाएंगे। देखिए, आप सभी इस बात को जानते हैं कि बच्चा जो है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, और ज्वाइन करने के बाद अगर आपको वही किताबी ज्ञान मिले जिसमें लिखा रहता है पहचान ये है, आइडेंटिफिकेशन ये है, जिसका रूल ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एस और यस ऑब्जेक्ट, पता नहीं क्या क्या किताबों में लिखा हुआ है, अगर यही सब सिखाना होता तो मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपकी भी इंग्लिश है, चाहे आप यूपी बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, या दिल्ली से, या आप हिंदी बोलते हैं और स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो ये सारी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। तो देखिए, आप सभी जानते हैं हम अब जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं इंग्लिश। और इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, यानी कि इंग्लिश क्या है? एक आपकी लैंग्वेज है। और लैंग्वेज कैसी है? फॉरेन लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जैसे कि अगर मैंने एक शब्द अगर सेब बोला हिंदी में, तो मे भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में इसको सेब ही बोला जाए, लेकिन अगर मैं उसको एप्पल बोल दूं तो पूरे वर्ल्ड में क्या है, वो एप्पल ही बोला जाएगा। यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज पर कमांड होना बेहद ज़रूरी है, जो आपके लिए एज अ प्रोफेशन हेल्प करेगी, चाहे आप इंटरव्यू देने चाह रहे हैं, चाहे आप अकेडमिक में, सभी जगह पर जो है इंग्लिश की काफ़ी वेटेज जो है आज के समय पर आपकी है। तो देखिए, इंग्लिश क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको 2 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। अब 2 चीज़ें कौन कौन सी ज़रूरी हैं सर? देखिए, मैं अगर आपसे बोलूं कि मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया, ये ठीक है, अब ये एक बंदा है, आप ही हो, मान लो ये है, ठीक है भाई, ये आप ही हो, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए आप ये हो। अब ये एक इंसान है, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ तो इसको आप क्या बोलोगे? सर ये तो एक ह्यूमन विंग है। तो मैंने लिख दिया जी हाँ बिल्कुल, ये ह्यूमन विंग है आपका, ठीक है। लेकिन इस ह्यूमन विंग का निर्माण अगर देखूं तो सबसे पहले बात आती है इसके अंदर जो होगी, एक तो होगी बॉडी, ठीक है, जो इसका ढांचा सा दिखाई दे रहा है आपको, जैसे मुझे आप देख सकते हो, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, तो एक तो क्या चाहिए? बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए? सोल, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है आपकी? सोल आपके अंदर जो है वो होनी चाहिए। तो जब इन दोनों का निर्माण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा? ये ह्यूमन बींग बन जाएगा। बात क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके अंदर से ये आपकी आत्मा निकाल दी जाए और आपका शरीर यानी कि बॉडी बॉडी रख दी जाए, शरीर से मतलब है मेरा जो ढांचा है आपका वही रहे, तो अगर मैंने इसमें से ये आत्मा निकाल दी तो आप क्या बता सकते हो शरीर की कोई वैल्यू है? आप बोलोगे बिल्कुल वैल्यू नहीं है। लेकिन वही चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये बताइए कि भाई अगर शरीर है और आत्मा इधर उधर भटक रही है तो क्या ह्यूमन बींग कहलाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं कहलाया जाएगा। तो सेम इसी तरीके से क्या है, इंग्लिश सीखने के लिए भी क्या है, हमारी 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो 2 चीज़ें क्या हैं हमारी इंग्लिश के लिए? ये आपकी इंग्लिश है, और इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ें सीखना बेहद ज़रूरी है, और ये दोनों चीज़ों पर यदि आपकी कमांड रहती है तो आपको ये लैंग्वेज आ जाएगी। सबसे पहले जो ज़रूरी है वो आनी चाहिए आपको ग्रामर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है, ग्रामर यानी कि व्याकरण आपको आना चाहिए। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, कुछ बिल्कुल शुद्ध हिंदी वाले होते हैं, तो ग्रामर आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आनी चाहिए आपको वो क्या है आपकी? वोकैबुलरी, ठीक है। अब ये दोनों चीजें, वोकैबुलरी को हम बोलते हैं शब्दावली। अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं तो प्यारे साथियों आप क्या सीख पाओगे? इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। क्या हो जाओगे? इंग्लिश सीख जाओगे।
तो देखिए ग्रामर क्यों जरूरी है, आप खुद सोचिए, किसी वर्ड की आपको हिंदी के वर्ड का ही इंग्लिश में वर्ड का मीनिंग पता है आपको, तो आपको अगर वोकैबुलरी तो आती है लेकिन आपको ग्रामर नहीं पता कि उस शब्द का यूज कहां पर करूं मैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप जो है इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। लेकिन आपको क्या है ग्रामर के रूल पता है, टेंसेज ऐसे फॉर्म होता है, यहाँ पर ये यूज होगा, लेकिन आपको उस वर्ड की क्या है वोकैबुलरी नहीं आती है, तो क्या आप इंग्लिश सीख पाओगे? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं सीख सकते। तो जिस तरीके से ह्यूमन बींग बनने के लिए, यानी कि मानव निर्माण, जो मानव शरीर का अगर हम बोलें जो ढांचा तैयार होगा, इस शरीर के लिए दोनों चीजें जरूरी है, मेरी आत्मा हो और मेरा शरीर हो, अगर ये दोनों है तो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। सेम तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए भी यदि आपको ग्रामर आती है और वोकैबुलरी आती है तो आप डेफिनेटली क्या है इंग्लिश को सीख पाओगे और बोल भी पाओगे। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर, क्या बात है। देखिए मैं अगर आपसे बोलूं कि ये कंप्यूटर है, ठीक है, और आपको कंप्यूटर बनाना है, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी मान लीजिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कंप्यूटर का निर्माण कैसे हो सकता है, क्या मैं आपके सामने ये हार्डवेयर रख दूं, यानी हार्डवेयर से मतलब ये है जो सीपीयू वगैरह होता है, खुद सोचो ये मेरा बोर्ड ही लगा हुआ है और इस बोर्ड में अगर ये इसके अंदर जो एंड्रॉयड सिस्टम है या विंडो सिस्टम है वो ना हो तो क्या ये बोर्ड बन पाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। सेम इसी तरीके से हार्डवेयर है लेकिन अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर सॉफ्टवेयर मैं निकाल दूं और खाली हार्डवेयर है तो वो कंप्यूटर आपका नहीं बनेगा। सेम उसी तरीके से अगर मेरे पास मान लो हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी नहीं है, मोबाइल पर भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी इस वीडियो को मोबाइल में देख रहे हो, आपके पास मोबाइल है लेकिन अगर उसमें एंड्रॉयड ना हो, ठीक है, एंड मोबाइल में मतलब ये है प्लेट जो लगी हुई थी वो हार्डवेयर का ही पार्ट है, ठीक है, तो भाई क्या आपका मोबाइल बन पाएगा? आप बोलोगे सर मोबाइल चल ही नहीं सकता, आपका एंड्रॉयड उड़ गया तो मोबाइल डैमेज हो गया। तो मोबाइल के लिए भी क्या है हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर जो एंड्रॉयड है वो दोनों चीजें होनी चाहिए, तब क्या कर पाओगे आप मोबाइल आपका कंप्लीटली वर्क कर पाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? आइए अब थोड़ा सा बेसिक हम बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको बताया खाली इंग्लिश के बारे में। अब जो हमारे टेंसेज होते हैं, क्योंकि हम मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाऊं तो आपको सबको पता ही होगा कि स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या है, स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या है आपके लेटर, ओके, ठीक है। अब इन लेटर आपको पता ही होगा ए बी सी डी ये एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, ये क्या है आपके लेटर हो गए। इन लेटर्स को आपस में अगर हम मिला दें तो इन लेटर्स के मिलने से क्या बन जाता है आपका वर्ड बन जाता है, ठीक है, वर्ड्स बन जाते हैं, मीनिंगफुल जरूर होगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा काव, इसका मीनिंगफुल है क्योंकि इसमें लेटर क्या हुआ सी ओ डब्ल्यू, लेकिन इनका क्या है अगर इनको एक साथ कर दिया, एक ग्रुप में ऐड कर दिया मैंने बर्ड को, तो ये क्या बन गया आपका काव बन गया जो मीनिंगफुल है। लेकिन अगर मैं उसको ही लिख दूं डब्ल्यू ओ सी, है तो ग्रुप लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब ये बर्ड है और इन बर्ड को ही क्या कर दें हम ग्रुप में यूज करने लग जाएं, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ बर्ड, तो ये बर्ड क्या बन जाते हैं फिर फॉर्म करते हैं हमारे सेंटेंस। और आप सभी को पता होगा कि सेंटेंस ही जो है हमारी इंग्लिश की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले आपका आएगा कि सर हमें ये बता दीजिए इस सेंटेंस यानी कि टेंस की अगर हम बात करें तो आखिर ये टेंस है क्या। तो आइए सबसे पहले हम टेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले टेंस की बात करें, टेंस क्या होते हैं, टेंस इज इक्वल टू टाइम। टेंस क्या बात करता है हमारे समय के बारे में बात करता है, क्योंकि देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते समय कुछ बातें बोल रहा हूँ, कुछ वाक्य बोल रहा हूँ, कोई ना कोई समय है, आप इस क्लास को देख रहे हो कोई ना कोई समय है, तो टेंसों की बात भी क्या होगी हमारी यही है। और इंग्लिश में क्योंकि आप यहाँ पर एग्जाम पास नहीं करना चाह रहे हो, इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, वैसे टेंस देखोगे तो किताबों में जो डेफिनेशन लिखी हुई होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है, या टेंस।
ओके सो यहाँ पर टेंस की इतनी सी परिभाषा याद रखनी है, लेकिन अब आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप उसको मेरे साथ साथ करेंगे। टेंस क्या होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट भी हैं वो भी बोलेंगे और आप भी क्या है बोलने का प्रयास करिए, होपफुली उनकी आवाज भी आपको वीडियो में सुनाई ही दे जाएगी। ठीक है, तो आप सभी भी क्या करोगे, आपको बोलना जरूर है, ताकि बोलने से क्या होगा जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक सीखते नहीं हैं हम। तो मेरे साथ बोलना है आपको, अगर कोई पूछे टेंस क्या होते हैं तो मेरे साथ आपको बोलना है, जो समय को दर्शाए या बतलाए, 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 उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जो समय को दर्शाए या बतलाए उसे हम क्या कहते हैं भाई, वाक्य। उसे हम वाक्य यानी कि सेंटेंस या टेंस कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि सबसे मेन चीज यही है। तो एक दो बार आप मेरे साथ बोलिए, जो समय को दर्शाए या बतलाए उसे हम टेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। अब देखिए यहीं से बात आ जाती है कि वाक्य कहते हैं तो आखिर वाक्य होते क्या है, क्योंकि समय की बात हो रही है तो समय तो तीनों में डिवाइड कर लेते हैं हम, या तो कोई बीता हुआ समय या आने वाला समय या कोई करंट में चल रहा है। तो यहीं पर क्या है, इन टेंसों को क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं तीन कैटेगरी में। ठीक है, अब ये तीन कैटेगरी कौन कौन सी है, तो यहीं से आ जाएगा तीन प्रकार आपके आ जाएंगे सेंटेंस के। ठीक है, तो टेंसेस के हम टाइप्स पढ़ेंगे भाई। काइंड्स ऑफ टेंस, सबसे पहले आ जाएगा हमारा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ऐसे कर लीजिए आप। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, शाबाश। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, पास्ट टेंस। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। अब सवाल ये आएगा कि सर ये तो बता दीजिए, तीन तो तुमने बता दिए काइंड्स ऑफ टेंस, इनको तीन में कर लेंगे, क्योंकि समय को हम तीन चीज़ों में कैटेगराइज कर देते हैं, या तो प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। अब प्रेजेंट क्या होता है, काफ़ी साथी ये रहेंगे, तो ये क्या होता है हमारा, जो समय अभी क्या है, चल रहा है। ठीक है, जो वर्तमान समय है आपका। ठीक है, अब भाई वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल ये किताबों में लिखा होता है, लेकिन आप इतना याद रखो जो करंट समय है आपका। पास्ट क्या है, जो समय बीत गया है, तो ये क्या हो जाएगा, जो समय बीत चुका है। ठीक है, और इसके बाद जो फ्यूचर जो बात कर रहे हैं हम, ये क्या है, जो समय क्या है हमारा, आने वाला है, जो समय आने वाला है, आने वाला है। ठीक है, अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हो आप, बाकी आज फर्स्ट डे है तो हमने यही कलर कॉम्बिनेशन सभी की चॉइस ही कराया हमने। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेंस क्या होता है, जो समय को दर्शाए या बतलाए उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। और टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसी में हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं। अब सवाल ये आएगा कि सर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इनको जो है सब डिवाइड भी कर देते हैं, यानी इनके सब टाइप्स भी होते हैं। तो आइए एक एक कर कर क्या है, इनके सब टाइप्स भी कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने उधर कर दिया ये, और मैं इस तरफ जो है सबसे पहले हम इस प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। तो इस प्रेजेंट टेंस के क्या है हमारे, सबसे पहला क्या आ जाता है हमारा, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। क्या आ जाएगा, मैं छोटा सा कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखाई आपको होपफुली देगा। ओके, देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है हमारा, आ जाता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा इसमें टाइप आ जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो आ जाता है हमारा वो क्या आ जाएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
और इसके बाद में जो है चौथा जो टाइप्स आएगा हमारा इसका वो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, ये हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस के सब टाइप्स। अब सेम चीज जो है आप पास्ट के साथ भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो अब मैं इधर जो है इस पास्ट टेंस के लिख देता हूँ, सेम डिक्टो पास्ट टेंस के भी हो जाएंगे हमारे। इसका क्या हो जाएगा, पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा जो हो जाएगा इसका, ये पहला हो गया, फिर दूसरा टाइप हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और अंतिम जो हो जाएगा इसका भी चौथा, अगर हम बात करें चौथे की, तो वो हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये मैंने आपको प्रेजेंट का बता दिया, ये पास्ट का। सेम इसी तरीके से आप क्या करोगे, इस फ्यूचर पे भी ध्यान दीजिए। इस फ्यूचर के भी चार हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। चलिए ये मैंने डॉट डॉट कर दिया है। फिर हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखिए ये इनके क्या हो जाते हैं, हमारे पूरा एक कंसेप्ट मैप ट्री हो जाता है। अब इनको समझने के लिए क्या करना है आपको, एक छोटी सी कहानी जो है वो समझनी पड़ेगी। समझनी क्या पड़ेगी, काफ़ी बच्चों को याद होते नहीं है ये, तो इसके लिए आपको क्या करना है। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, टेंस था हमारा, ठीक है, क्या था, टेंस नाम था। और ये टेंस नाम का व्यक्ति क्या करने लगा कि भाई इसकी होगी शादी, ठीक है, तो जब इसकी शादी होगी तो इसने क्या करा, इसके तीन बच्चे हुए, कहानी को सुन लीजिए याद हो जाएंगे, तीन बच्चे हुए और उन तीनों बच्चों का नाम इसने क्या रखा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर रख दिया। और बोला भाई मेरा नाम जो है वो जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा हमारी फैमिली या रिलेटिव में होते हैं सब क्या कहते हैं, भाई जो हमारे सरनेम है वो तो चलना चाहिए। तो इसने सबके साथ क्या करा, टेंस टेंस लगा दिया, तो इसका नाम बन गया प्रेजेंट टेंस, और दूसरे का नाम क्या बन गया आपका, पास्ट टेंस, तो इसके साथ भी टेंस लगा दिया है। फ्यूचर वाले के साथ क्या करा, इसका भी नाम फ्यूचर टेंस रख दिया। अब ये तीन बच्चे हो, किसके हो गए, इस टेंस के हो गए। और इस टेंस ने क्या करा भाई, अब इनकी भी शादी हुई सबकी, और सब भाई जो हैं अलग होंगे, ये तीनों भाई एक थे, अब इन तीनों भाई भी क्या है, अलग हो गए। अब इसने बोला भाई इन इसके भी चार हो गए, इसके भी चार हो गए, इसके भी चार हो गए। अब कहानी ये आई कि भाई क्या करो, ऐसा करो सारे हम अलग अलग हैं, ऐसा करते हैं दादा का नाम तो चलेगा ही चलेगा और मेरा नाम भी होना चाहिए, और एक नया नाम रख देते हैं। तो उसने क्या करा, पहले का नाम रख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप देखोगे प्रेजेंट यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, टेंस इसमें भी आ रहा है और टेंस यहाँ पर भी आ रहा है। उसने दूसरा नया नाम रख दिया इसका इंडेफिनिट, ठीक है। तो ऐसे इसने पहले बच्चे का नाम रख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का नाम आया, दूसरे का रख दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस तो सब में चल रहा है, लेकिन एक नया नाम रख गया इसका कॉन्टिन्यूस। सेम चीज यहां पर भी, प्रेजेंट टेंस तो चले गई लेकिन नया नाम आ गया परफेक्ट, तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसने बोला प्रेजेंट तो चलेगा ही चलेगा, इसने भी बोला टेंस चलेगा ही चलेगा, इसका नाम रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ऐसे ही इसने रखा, अब इसने दोनों भाई बोलने लगे भाई हमारे परिवार में तो ऐसे ही चला हुआ आ रहा है, अब ऐसे ही चला हो रहा है, तो भाई इस पास्ट ने भी यही चीज़ अप्लाई कर दी कि भाई मेरा नाम भी आना चाहिए, तुम्हारे दादा का नाम टेंस था टेंस भी आना चाहिए, और भाई एक नया नाम रख दो, तो कुनबे में ये आया, तो इसने बोला मेरा नाम चलना चाहिए, पास्ट टेंस तो रहा ही रहा, इसका भी हो गया पास्ट इंडेफिनिट। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इस यहाँ पर भी यही प्रोसेस बुलाया, फिर बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर फ्यूचर का कोई इस परिवार से अलग था, फ्यूचर ने भी बोला भाई यही चीज करेंगे, तो फ्यूचर ने भी क्या बोला, मेरा नाम भी आना चाहिए टेंस भी आना चाहिए, अपना नया नाम रखो, तो इन्होंने भी यही अप्लाई करा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और क्या बना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना दिया और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना दिया। इस तरीके से इनके नाम बन गए, तो आप इस कहानी को याद रख सकते हो। अब सबसे पहला जो टेंस हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ना है? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस पढ़ना है। तो आप सभी सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक चीज आपको समझ लेनी है। हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास यहीं पर बाइंड अप करेंगे, थोड़ा सा बस समझ लेते हैं कि आखिर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस से पहले जो कल से हम पढ़ने वाले हैं, आज ये आपकी वो थी, तो इस इनडेफिनिट का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो इनडेफिनिट का सबसे मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। इनडेफिनिट, देखो इनडेफिनिट में क्या होता है, इनडेफिनिट में अगर मैं इस आई एन को हटा दूं तो चीज क्या बन गई? डेफिनिट बन गई, ठीक है। तो इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित होता है। और अनिश्चित का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी काम क्या है, हम बार बार करते हैं और कभी खत्म नहीं होता है। तो आप सभी क्या करोगे मेरे साथ, एक बार सभी बोलोगे आप सभी, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मेरे साथ बोलना है, ऐसा कार्य, बोलो ऐसा कार्य, ऐसा काम, ऐसा काम जो हम बार बार करते हैं, जो हम बार बार करते हैं, ऐसा काम 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 जो हम बार बार करते हैं और कभी खत्म नहीं होता, और कभी खत्म नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? इनडेफिनिट बोलते हैं। और कभी खत्म नहीं होता उसी को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट बोलते हैं। अब ऐसे काम कौन कौन से हैं? देखिए ऐसे काम एग्जांपल से आपको सारे समझ आ जाएंगे जो कभी खत्म नहीं होते और वो हमारे प्रेजेंट टेंस में ही आएंगे आपके। जैसे मैंने बोला खाना खाना, तो खाना खाना क्या है? एक काम है, ठीक है। और हम क्या कर रहे होते हैं? बार बार कर रहे होते हैं। खाना खाने का क्या है? कोई टाइमिंग हमारी नहीं है। ऐसे ही मैंने बोला जैसे खाना बनाना, अब मम्मी को क्या है? खाना रोज बनाना पड़ता है, कोई भी कभी ख़त्म नहीं होता है, डेली काम ये हमारा क्या है? उन्हें करना ही पड़ता है। ऐसे ही मैंने बोला जैसे जैसे कपड़े धोना, ठीक है। कभी कभी तुमने देखा होगा खेलना, पढ़ना, ये ऐसे काम है जो कभी क्या है हमारे, एक्सेट्रा मैं कर देता हूँ, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं और हम इनको क्या करते हैं? बार बार करते रहते हैं और इनडेफिनिट होते हैं। आज देखिए अगर आप खाना खा रहे हो तो खाने खाने का टाइमिंग हो सकता है कि शायद आप 9 बजे खा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि किसी वजह से क्या है, आप स्कूल 7 बजे जानते हैं, तो हो सकता है आपको क्या हो 6:30 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए भाई, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मम्मी जो है खाना आपकी जो है 7 बजे आप स्कूल जाते हो उससे पहले खाना बनाती है, लेकिन पता लगा आज संडे है तो थोड़ा लेट भी चल जाएगा। तो इनडेफिनिट ये इसलिए होता है, अनिश्चित होता है, कोई टाइम टेबल हमारे पास नहीं होता है। जैसे खेलने का आपका कोई टाइमिंग नहीं, अभी क्लास ओवर हुई, अभी क्या है आप खेलने चले जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमारी इंट्रोडक्शन थी, और कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम अपने एक टेंस की शुरुआत करेंगे, जिस टेंस का नाम जो रहेगा हमारा वो है आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। तो फिलहाल ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर बुरी लगी है तो भी आप कमेंट करके बताएंगे, लेकिन 7 डेज तक आप क्लासेज को ज़रूर फॉलो करिएगा और यकीन मानिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्या है सीखने को मिलेंगी हमारी इसमें। थैंक यू।